गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वाटरिंग राइम जो पोएम थी उसमें पढ़ा था। वाटरिंग राइम जो हमें पौधों को कब पानी डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए। अब उसके बाद की कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जिसमें जो लेट्स टॉक है उसमें फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग। जब हम मॉर्निंग में पौधों को पानी डालते हैं तब क्या होता है, तो दे विल ग्रो वेल, वो बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। दे विल ग्रो वेल, वो बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रॉम वेयर डू फ्लावर गेट वाटर, पौधे हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है, तो उनकी जो रूट्स है, उनकी जो जड़ें हैं, वहाँ पे जब हम पानी जो पानी है उसको डालते हैं तब उनको अच्छे से पानी मिलता है। उनके लीव्स पर हमें पानी नहीं डालना चाहिए, उनके जो रूट्स है, जड़ें हैं, वहाँ पर हमें पानी डालना चाहिए। ओके, सो उसके बाद ये से अलाउड कुछ वर्ड दिए गए हैं जो हमें लाउडली स्पीक करने। सबसे पहला है अर्ली, कर्ली, श्योरली, अवर, अवर एंड आर, फ्लावर, फ्लावर, शावर, देर, देर, केयर, कुड, हुड, शुड, वेयर, वेयर, शीट एंड शीट, शेक एंड शेक, ब्रेड एंड स्प्रेड, हाई एंड शाई। ये जो कुछ वर्ड है वो हमें लाउडली स्पीक करने। सबसे पहला है अर्ली, अर्ली का मीनिंग हो जाएगा जल्दी। उसके बाद है कर्ली, कर्ली का मीनिंग हो जाएगा घुंघराले। उसके बाद है श्योरली, श्योरली का मीनिंग हो जाएगा निश्चित रूप से। हम कहते हैं श्योर में आऊँगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा श्योरली का मीनिंग। उसके बाद है अवर, ओ यू आर, अवर का मीनिंग हो जाएगा हमारा, एच ओ यू आर, अवर, अवर मीन्स घंटा। ओके, हमने कहते हैं एक बजे, दो बजे, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, तो जिसमें अवर है, एच ओ यू आर, अवर का मीनिंग हो जाएगा घंटा। उसके बाद है आर, आर मीन्स कर रहे है, कर रहे, कर रहा हूँ, उसके लिए जो आर वर्ड है वो यूज़ होता है। हम नहीं कहते तुम गा रहे हो, तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग, यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे हो, तो रहे हो, रही है, उसके लिए आर वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद है फ्लावर, फ्लावर मीन्स होता है फूल, फ्लावर का मीनिंग हो जाएगा फूल। उसके बाद है फ्लावर, फ्लावर का मीनिंग हो जाएगा आटा, फ्लावर का मीनिंग हो जाएगा आटा। ओके, जैसे गेहूँ का आटा, मक्के का आटा, तो जो आटा है उसको फ्लावर कहते हैं। उसके बाद है शॉवर, शॉवर का मीनिंग होता है हम जब बांस लेते हैं तो उसको शॉवर कहते हैं। उसके बाद है देर, देर मतलब उनका, टी एच ई आई आर, देर मीन्स उनका। उसके बाद है देर, देर का मीनिंग हो जाएगा वहाँ, देर का मीनिंग हो जाएगा वहाँ। उसके बाद है केयर, केयर का मीनिंग हो जाएगा देखभाल करना, केयर का मीनिंग हो जाएगा देखभाल करना। उसके बाद है कुड, कुड मीन्स सकता है, सकती है। ओके, उसके लिए कुड वर्ड यूज होता है। उसके बाद है हुड, हुड का मीनिंग हो जाएगा टॉप, हुड का मीनिंग हो जाएगा टॉप। शुड, शुड मीन्स चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, हम नहीं कहते तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तो उसी वर्ड के लिए शुड वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, उसके लिए शुड वर्ड यूज होता है। उसके बाद है वेयर, वेयर मीन्स कहा, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर मीन्स कहा। उसके बाद है वेयर, डब्ल्यू ई ए आर, वेयर मीन्स पहनना, वेयर का मीनिंग होता है पहनना। उसके बाद है शीट, शीट मीन्स सीट। उसके बाद है शीट, एस एच डब्ल्यू ई टी, शीट का मीनिंग होता है चादर। उसके बाद है शेक, शेक का मीनिंग हो जाएगा हिलाना, शेक का मीनिंग होता है हिलाना। उसके बाद है शेक, शेक मीन्स खातिर, एस ए के ई, शेक मीन्स खातिर। हम नहीं कहते फॉर गॉड शेक कुछ तो बोलो, तो जो शेक होता है उसका मीनिंग होता है खातिर, भगवान के खातिर कुछ तो बोलो, नहीं कहते हम टीवी में जो सीरियल्स आते हैं उसमें भी वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद है ब्रेड, ब्रेड का मीनिंग हो जाएगा रोटी। उसके बाद है स्प्रेड, स्प्रेड का मीनिंग हो जाएगा फैलाना या फिर फैलना, फैलना या फिर फैलाना। उसके बाद है हाई, हाई का मीनिंग हो जाएगा ऊंचा। उसके बाद है शाई, शाई का मीनिंग हो जाएगा विलाप। ओके, उसके बाद है पिक आउट द साइलेंट लेटर फ्रॉम दिस वर्ड। अभी यहाँ पे जो साइलेंट लेटर है मतलब स्पेलिंग में वो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, जिसको साइलेंट लेटर कहते हैं। लाइक सबसे पहले देखिए अवर, अवर इसमें एच है, जो कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं हवर, ओके हवर, इसको हवर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं अवर, अवर, जिसमें एच जो है वो कैसा है साइलेंट लेटर है, एच जो है वो कैसा लेटर है साइलेंट, तो इसमें अवर जो एच जो है वो साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद है नीट, नीट में देखिए जो के है वो साइलेंट हो जाएगा नीट, ओके उसमें के नहीं हम बोल सकते, तो इसमें के जो है वो साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद है रॉन्ग, रॉन्ग में जो डब्ल्यू है वो साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद है डाउट, डाउट उसमें जो बी है, जो बी वो साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद है ऑफन, ऑफन कुछ लोग इसे ऑफ्टन पढ़ते हैं पर ऑफ्टन नहीं, ऑफन हो जाएगा, जिसमें टी साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद है नो, नो में के साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद नाइट, नाइट में जी साइलेंट हो जाएगा। कुड, कुड में एल साइलेंट हो जाएगा। राइट, राइट में डब्ल्यू जो है वो साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद नाइफ, नाइफ में के साइलेंट हो जाएगा। हाई, हाई में जी साइलेंट हो जाएगा। और वॉक, वॉक ओके उसमें एल नहीं सुनाई देता, तो जो एल है वो साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो साइलेंट लेटर है जिसको हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है वो हमें ढूंढकर लिखने हैं, जो हमने देख लिया। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद की जो आगे की एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।